देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो पर विपक्ष में बैठी बीजेपी ने पलटवार करते हुए बयान दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के रमन सिंह ने इस मैनिफेस्टो को, इस घोषणा पत्र को कांग्रेस का झूठ का पुलिंदा बताया है। रमन सिंह ने कहा कि पिछली बार जारी किए गए घोषणा पत्र को फिर से जारी किया गया, पिछले किए वादे को अब तक पूरा नहीं कर पाई है सरकार, विकास के सारे काम ठप पड़े हैं, यह घोषणा पत्र जनता को भ्रम में डालने वाला है, जैसे 3 साल पहले कांग्रेस ने भ्रम में डाला था। इस तरह से तंज भी कसा है और पलटवार किया है मैनिफेस्टो पर। घोषणा पत्र कांग्रेस का झूठ का पुलिंदा है। जो घोषणा पत्र चुनाव में जन घोषणा पत्र जारी किया था, उसी बिंदुओं को रिपीट किया गया है, जबकि उसके किसी बिंदु पे कोई काम नहीं हुआ है। न पट्टा मिला लोगों को, न आवास मिला, न शहर का विकास हुआ। कहा 300 करोड़ का बजट हुआ करता था, हमारी जब सरकार बनी 4000 करोड़ तक बजट पहुंचा दिया था, अब 500 करोड़ के बजट में आके फिर से रुक गया। पूरे नगरी निकाय के काम सारे ठप है, विकास के डेवलपमेंट के काम रुके पड़े हैं। ये जो घोषणा पत्र है, विशुद्ध रूप से जनता को भ्रम में डालने वाला है, जैसे 3 साल पहले डाला था।